जय हिंद दोस्तों सो वी वर डूइंग द चैप्टर फिफ्थ दैट इज द इंडस्ट्रियल सेक्टर फोर्टी क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे टुडे वी विल बी डूइंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन बी स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन फर्स्ट क्वेश्चन ये इज द फैक्ट्रीज एक्ट एटीन एटी वन वॉज पासड विद अ व्यू टू फिक्स द वेजेस ऑफ द इंडस्ट्रियल वर्कर्स एंड टू अलाउ द वर्कर्स टू फॉर्म ट्रेड यूनियंस ठीक है तो ये बोल रहे हैं कि फैक्ट्रीज़ एक्ट एटीन एटी वन जो पास हुआ था वो इस वजह से पास हुआ था कि इंडस्ट्रियल वर्कर्स के वेजेस को फिक्स किया जा सके और ट्रेड यूनियंस बनाने का उनको अधिकार दिया जा सके एन एम लुखंडे वॉज अ पाइनियर इन ऑर्गेनाइजिंग द लेबर मूवमेंट इन ब्रिटिश इंडिया ठीक है तो देखिए उस समय तो आ, अगर हम देखें एटीन एटी वन की अगर हम बात करें अपने हिस्ट्री में अगर आ, पढ़ा हुआ है आपको थोड़ा सा भी आ, रिकॉल आप कर पा रहे हैं तो उस समय वेजेस और यूनियन बनाने की बात तो थोड़ी सी आगे जा रही है अभी जो कंडीशंस थी ऑफ द लेबर इन ब्रिटिश इंडिया वो ही बहुत ख़राब थी तो ये जो एक्ट आया था 1881 का वो इसी वजह से आया था कि जो वर्किंग कंडीशंस हैं लेबर की ब्रिटिश इंडिया में उसको थोड़ा सा सुधारा जा सके थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो सके सो द फैक्ट्रीज एक्ट एटीन एटी वन वॉज पास विद व्यू टू इम्प्रूव द वर्किंग कंडीशन ऑफ लेबर इन ब्रिटिश इंडिया द एक्ट प्रोहिबिटेड द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ सेवन ईयर्स तो सात साल से कम के बच्चों का एम्प्लॉयमेंट को प्रोहिबिट किया गया साथ ही साथ जो नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स थे बच्चों के लिए उसको भी लिमिट किया गया बिलो द एज ऑफ ट्वेल्थ बारह साल से कम के बच्चे जो भी काम कर रहे हैं उनके लिए लिमिटेड वर्किंग आवर्स होंगे उनको फिक्स किया गया एंड रिक्वायर्ड द प्रॉपर फेंसिंग ऑफ डेंजरस मशीनरी और कोई भी अगर डेंजरस मशीनरी है जिस फैक्ट्री में वो काम कर रहे हैं तो उसके आसपास एक प्रॉपर फेंसिंग भी होनी चाहिए ये भी आप याद रखिएगा ये जनरली छोटे छोटे स्टेटमेंट्स होते हैं जो मिस हो जाते हैं और क्वेश्चन यहाँ से क्रिएट हो जाते हैं ठीक है तो फेंसिंग जो है डेंजरस मशीनरी की उसके बाद भी ए टी में वन में हुई थी सो इट हैज़ नॉट प्रोविजन ऑफ फिक्सिंग द वेजेस और फॉर्मेशन ऑफ ट्रेड यूनियन तो स्टेटमेंट वन इन करेक्ट हो जाता है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है एन एम लोखंडे जिनका पूरा नाम है नारायण मेघजी लोखंडे वो पाइनियर थे इन ऑर्गेनाइजिंग द लेबर ब्रिटिश मूवमेंट इन इंडिया लेबर मूवमेंट इन ब्रिटिश इंडिया एंड ही इज़ कंसिडर्ड एज फादर ऑफ ट्रेड यूनियन मूवमेंट ऑल्सो ही इज़ रिमेंबर्ड नॉट ओनली फॉर एमरेटिंग द वर्किंग कंडीशन ऑफ टेक्सटाइल मिल हैंड्स इन नाइन्टीन सेंचुरी बट उनके ही करेजियस इनिशियेटिव जो थे बट ऑल्सो फॉर इस करेजियस इनिशियेटिवस ऑन कास्ट एंड कम्यूनल इशूज़ तो सिर्फ लेबर कंडीशन पर इन्होंने बात नहीं की थी कास्ट और कम्यूनल इशूज़ पर भी इन्होंने बहुत सारा काम किया था सो so, एक तरीके से सोशल वर्कर थे और ऐसे थे कि uh, so, ऐसे सोशल वर्कर थे कि जिनकी वजह से कुछ डेवलपमेंट्स भी समाज में आ पाए ठीक है सो एन एम लोखंडे नारायण मेघ जी लोखंडे नेक्स्ट वेज ऑफ द फॉलोइंग लेबर रिलेटेड एक्ट्स एक्ट हैगमेटेड इन टू द कोड ऑन वेजेज एक्ट टू थाउजेंड नाइनटीन कौन कौन से अमेल्गमेट होकर फिर ये बना है मिनिमम वेजेज एक्ट हुआ है पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट हुआ है इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट हुआ है और एक चार हुए हैं बेसिकली मिनिमम वेजेज एक्ट पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट देन आई गेस इक्वल रेमडेशन एक्ट ठीक है देखते हैं मुझे फोर्थ uh, याद है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लेबर एक्ट तो नहीं कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट जो है वो नहीं है इसका पार्ट ऑल दो सो देखते हैं कोड ऑफ वेजेस 2019 इज़ एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ़ द इंडिया दैट कंसोलिडेट्स द प्रोविजन ऑफ फोर लेबर लॉस कंसर्निंग वेज एंड बोनस पेमेंट्स एंड मेक्स यूनिवर्सल द प्रोविजन फॉर मिनिमम वेजेस एंड टाइमली पेमेंट ऑफ वेजेस फॉर ऑल वर्कर्स इन इंडिया द कोड रिपील्स एंड रिप्लेसेज द पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936 देखिए पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है आ, इसकी जगह 1936 थर्टी सिक्स देन मिनिमम वेजेज एक्ट नाइनटीन पेमेंट ऑफ बोनस मिनिमम वेजेस एक्ट हो जाएगा 1948 पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट हो जाएगा आपका 1965 एंड इक्वल रेमेशन एक्ट हो जाएगा 1976 कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 में आया था बट वो इसमें सब्स्यूम नहीं हुआ है विद रेफरेंस टू कैजुअल वर्कर्स एम्प्लॉयड इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑल द कैजअल वर्कर्स आर एंटाइल फॉर एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड कवरेज ठीक है सही बात है जितने भी कैजुअल वर्कर्स हैं वो एंटाइटल्ड हैं इसके लिए ऑल कैजुअल वर्कर्स आर एंटाइटल्ड फॉर रेगुलर वर्किंग आवर्स एंड ओवर टाइम पेमेंट ये भी ठीक है द गवर्मेंट ऑफ इंडिया कैन बाय अ नोटिफिकेशन स्पेसिफाई दैट एन एस्टेब्लिशमेंट और इंडस्ट्रीशल पे वेजेस ओनली थ्रू इट्स बैंक अकाउंट ठीक है तो ये भी स्पेसिफाई किया जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा कि अगर कोई इंडस्ट्री है वो अपने ही बैंक अकाउंट के थ्रू उस इंडस्ट्री के नाम का जो बैंक अकाउंट है उसके थ्रू वेजेस देगी ठीक विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेट तो ये सारे ही स्टेटमेंट इसमें सही हो जाते हैं कैजुअल वर्कर्स अ वर्कर ऑन अ ए एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट विद जनरली लिमिटेड एंटाइटलमेंट्स टू बेनिफिट्स एंड लिटिल और नो सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने इन पवन हंस लिमिटेड एंड अदर्स वर्सेस एविएशन कर्मचारी संगठन केस हेल्ड दैट एम्प्लॉयीज़ इंक्लूडिंग द कैजुअल वर्कर्स हु ड्रॉ वेजेस और सैलरीज ठीक है कोई भी ऐसा एम्प्लॉयी जिसमें कैजुअल वर्कर्स भी आएंगे जो कि डायरेक्टली या किसी भी तरीके फॉर्म में इनडायरेक्टली कंपनी से सैलरी ड्रॉ कर रहा है दे आर एंटाइटल टू प्रोविडेंट फंड बेनिफिट्स अंडर द एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड

ऑफ़ द नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस लाइट से आपका एक दिन का मेहनताना या वेज बन रहा है आपका पचास रुपए तो अगर आप ओवर टाइम कर रहे हो तो उसके डबल मिलेगा आपको एज पर द पेमेंट ऑफ वेजेस अमेंडमेंट एक्ट टू थाउजेंड सेवेंटीन द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मे बाई नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट गजेट स्पेसिफाई द इंडस्ट्रियल और अदर स्टैब्लिशमेंट द एम्प्लॉयर ऑफ विच शेल पे टू एवरी पर्सन एम्प्लॉयड इन सच इंडस्ट्रियल और अदर इस्टैब्लिशमेंट द वेजेस ओनली बाई चेक और बाय क्रेडिटिंग द वेजेस इन द बैंक अकाउंट तो स्टेटमेंट थ्री भी करेक्ट हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन विद इफेक्ट फ्रॉम फर्स्ट अप्रैल 2017 द मिनिमम वेज फॉर अनस्किल्ड लेबर इन उत्तर प्रदेश हैज़ बीन फिक्स्ड एट तो मिनिमम वेजेस फॉर अनस्किल्ड लेबर जो फिक्स किया गया उत्तर प्रदेश में वो कितना था तो वो था आपका सेवेंटी फोर हंड्रेड पर मंथ विद इफेक्ट फ्रॉम अभी अगर हम recent की बात करें फर्स्ट अप्रैल टू टू मिनिमम वेजेस फॉर अनस्किल्ड सेमी स्किल्ड एंड स्किल्ड तो देखिए दो हज़ार बाईस एक अप्रैल दो हज़ार बाईस से तीस सितंबर दो हज़ार बाईस तक के लिए था ये तो अनस्किल्ड uh, के लिए नौ हज़ार पाँच सौ तीस सेमी स्किल्ड के लिए दस हज़ार चार सौ तिरासी टेन थाउजेंड फोर एटी थ्री और स्किल्ड के लिए एलेवन थाउजेंड सेवन फोर्टी थ्री पर मंथ ये लेबर के लिए रखा था इन्होंने नेक्स्ट द शेयर ऑफ इंडस्ट्री इन जी डी पी ऑफ इंडिया इन टू थाउजेंड सिक्स सेवन वॉज शेयर ऑफ इंडस्ट्री की बात करें और ये 2006 की बात हो रही है तो उस समय बच्चे से 30 परसेंट था रीसेंट देखते हैं अगर रीसेंट कोई वैल्यू दी हुई है हाँ 2021 हज़ार -20 का फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट दिया है ट्वेंटी परसेंट ठीक है पंद्रह सोलह में तीस था उन्नीस बीस में छब्बीस पॉइंट सेवन बीस इक्कीस में ट्वेंटी फाइव पॉइंट नाइन एंड ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू में ट्वेंटी एट पॉइंट टू तो रीसेंट ये हो जाएगा वॉट वॉज द इंडस्ट्रियल रेट ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग थर्टीन फोर्टीन विथ इलेवन टवेल्व एज द ईयर इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया पूछ रहे हैं तेरह चौदह की दो हज़ार तेरह चौदह तो ये थी थ्री पॉइंट फाइव परसेंट अब अगर हम दो हज़ार इक्कीस बाईस की देखें तो ये है इलेवन पॉइंट एट परसेंट फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट के हिसाब से इंडस्ट्री की कंस्ट्रक्शन की टेन पॉइंट सेवन है इलेक्ट्रिसिटी गैस की एट पॉइंट फाइव है की ट्वेल्व पॉइंट फाइव है माइनिंग एंड क्वेरिंग की 14.3 है नेक्स्ट क्वेश्चन दे वॉज एन एसर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है असर्शन इज देर वॉज एन इंक्रीज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ड्यूरिंग नाइन्टी नाइन टू रीजन ये है द पीरियड विटनेस्ड अ स्टेबल एक्सचेंज रेट एंड इम्प्रूवड बिजनेस सेंटीमेंट्स तो दोनों ही सही हैं देखिए एक इंक्रीज देखने को मिला था इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में उन्नीस सौ निन्यानवे सन दो के आसपास और रीज़न ये था कि वो जो पीरियड था इट विटनेस्ड अ स्टेबल एक्सचेंज रेट एंड इम्प्रूवड बिजनेस सेंटीमेंट्स एक स्टेबल एक्सचेंज रेट उस समय देखने को मिला एंड इसकी वजह से बिजनेस सेंटीमेंट्स जो थे वो इम्प्रूव हुए थे ठीक नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज हैज़ नॉट बीन इंक्लूडेड इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स ऑफ इंडिया सो आई आई पी में कौन से इंक्लूडेड नहीं हैं ठीक है आई आई पी में देखिए कंस्ट्रक्शन इंक्लूडेड नहीं है अगर हम देखें तो आठ सेक्टर्स हैं मेनली

तो कुछ ब्रॉड सेक्टर्स हैं जैसे कि माइनिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड यूज बेस्ड सेक्टर हैं जैसे कि बेसिक गुड्स कैपिटल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स कंस्ट्रक्शन जो है वो आई आई पी की इंडेक्स में इंक्लूडेड नहीं है नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज रिलीज द आई आई पी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन टू मेजर द इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस अभी देखिए हमने देखा सेंट्रल स्टेटिटिकल ऑफिस इसको रिलीज करता है ओके इसका आंसर ई है मे बी कुछ गलत हुआ है एक्चुअली नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस था ओके इसमें नेशनल की जगह सेंट्रल दिया हुआ द नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस ये नहीं करता आरबीआई नहीं करता सेंट्रल स्टेटिस्टिक्स ऑफिस नहीं नेशनल स्टेटिस्टिक्स ऑफिस है एंड इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट आईएसआई ये देखिए वो आईएसआई नहीं है एंड नन ऑफ द अब तो आंसर इसका ई दे रहे हैं आई आई पी एज एंड इंडेक्स विच शोज द ग्रोथ रेट्स इन डिफरेंट इंडस्ट्री ग्रुप्स ऑफ द इकोनॉमी इन अ स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम अर्लियर द आई पी इंडेक्स वॉज कंप्यूटेड एंड रिलीज बाय सी एस ओ पहले सी एस ओ करता था अभी की अगर हम बात करें द एट प्रेजेंट द बेस ईयर फॉर आई आई पी जो है वो है दो हज़ार ग्यारह बारह तो याद रखिएगा अभी के लिए अगर बेस ईयर आपसे पूछा जाए तो वो है 2011-12 एंड ये मंथली बेसिस पे कंप्यूट किया जाता है नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा जो कि मर्जर से बना था किसके सी और एन ये हमने पहले भी डिस्कस किया है एन जो है वो किससे बना है सी प्लस एन के मर्जर से और ये कब मर्ज हुए थे 2019 में इनके मर्ज होके बना था एन ठीक एन एस एस ओ इज़ नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन न्यू सीरीज़ फॉर द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन विच वॉज रिलीज बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन टेंथ जून टू थाउजेंड इलेवन हैज चेंज द बेस ईयर फ्राम नाइन्टी थ्री नाइनटी फोर टू टू थाउजेंड फोर फाइव देखिए उस समय टू थाउजेंड फोर फाइव था अभी क्या है ग्यारह बारह और ये कब से किया है मे ट्वेल्व टू थाउजेंड सेवेंटीन से द वेट ऑफ माइनिंग मैनुफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर कितना है माइनिंग का है फोर्टीन पॉइंट थ्री मैन्युफैक्चरिंग का है सेवेंटी सेवन पॉइंट सिक्स थ्री और इलेक्ट्रिसिटी का है सेवन पॉइंट नाइन नाइन टोटल नंबर ऑफ आइटम्स एट जीरो नाइन है नंबर ऑफ आइटम्स इन नंबर ऑफ आइटम ग्रुप्स जो हैं वो फोर जीरो सेवन इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन विच इज़ द मेजर ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ इन इंडियन इकॉनमी Um, इसमें से क्या इंक्लूडेड नहीं है देखिए इलेक्ट्रिसिटी है माइनिंग है मैन्युफैक्चरिंग है हम देख चुके हैं जो इंक्लूडेड नहीं है वो है आपका गैस एंड वाटर सप्लाई ठीक है तो गैस एंड वाटर सप्लाई जो है वो इंक्लूडेड नहीं है इन इंडिया द ओवरऑल इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन द इंडाइसिस ऑफ एट कोर इंडस्ट्रीज़ है कंबाइंड वेट ऑफ थर्टी सेवन पॉइंट नाइन जीरो परसेंट तो जो एट कोर इंडस्ट्रीज के जो इंडेक्स हैं उसका कंबाइंड वेट है थर्टी सेवन पॉइंट नाइन जीरो परसेंट विच ऑफ द फॉलोइंग आर अमंग दोज एट कोर इंडस्ट्रीज इनमें से कौन से हैं उनमें ठीक है तो सीमेंट फर्टिलाइजर देखिए इसका एक कोड भी है फॉन्स ट्रिपल सी ठीक तो है तो सीमेंट है फर्टिलाइजर है नेचुरल गैस है रिफाइनरी है टेक्सटाइल्स इसका पार्ट नहीं है कोर इंडस्ट्रीज़ का पार्ट टेक्सटाइल नहीं है कोर इंडस्ट्रीज़ कौन सी होती है कि अगर ये इनमें से कोई भी इंडस्ट्री ठप हो जाती है लट से तो आपका जो देश की इकोनमी है और जो रेगुलर जो आपकी सप्लाइज हैं वो उन पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा तो इंडिया में देखें तो आठ इंडस्ट्रीज जो हैं उनको कोर इंडस्ट्रीज़ माना जाता है हमने देखा कि फर्न्स ट्रिपल सी कोड बनाया देख लेते हैं कौन से हो गया आपका फर्टिलाइजर <coughs> देखिए एक बार याद कर लीजिए तो ये इससे क्वेश्चन हमेशा आते ही हैं कुछ ना कुछ आएंगे परसेंटेज पे आएंगे या yeah. ये एक इम्पॉर्टेंट uh, सेक्शन uh, है इससे यूपीएससी भी बहुत क्वेश्चन पूछते हैं तो देखिए एफ से हो गया फर्टिलाइज़र देन ई e से हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिसिटी आर से रिफाइनरी प्रोडक्ट्स जिसमें पेट्रोलियम रिफाइनरी भी आ जाएगा एन से नेचुरल गैस एस से स्टील अब आता है ट्रिपल सी ट्रिपल सी में एक सी बन जाएगा कोल दूसरा बनेगा क्रूड ऑयल तीसरा बनेगा सीमेंट ठीक है तो याद रखिएगा फर्न्स ट्रिपल सी फर्टिलाइजर इलेक्ट्रिसिटी रिफाइनरी नेचुरल गैस स्टील फर्नस एक वर्ड होता है तो फर्न से याद हो सकता है ये मैंने बनाया था आप देखिएगा आपको जो भी सूटेबल लगे आप मतलब याद करना आपको बस याद रहे कि आठ इंडस्ट्रीज़ कौन सी हैं और ट्रिपल सी में आ जाएगा कोल क्रूड ऑयल एंड सीमेंट और अब आप इसको उस बेसिस पर भी बना सकते हैं कि डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में किसका कितना परसेंटेज है या फिर आप अगर सिर्फ याद करने के लिए बना रहे हैं तो एक ये भी बना सकते हैं सो इट डिपेंड्स ऑन यू बट आप ये याद रखिए कि एट कोर इंडस्ट्रीज हैं द ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री रिलीजेज द इंडेक्स ऑफ एट कोर इंडस्ट्रीज कौन कौन निकालता है द ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर डिपार्टमेंट ऑफ डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट इॉरी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड तो डी पी डबल आई टी एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हर मंथ निकाली जाती है ये अभी की बात करें तो एट कोर इंडस्ट्रीज जो हैं वो कितना वेटेज है उनका टोटल में तो टोटल जो भी आइटम्स इंक्लूडेड हैं उसमें इनका वेटेज है फोर्टी पॉइंट टू सेवन परसेंट अब ये पूछ रहे हैं कि विच विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन एट कोर सेक्टर्स देखिए ट्रिपल सी में हमने क्या पढ़ा था कोल था सीमेंट था और क्रूड ऑयल था केमिकल नहीं था ठीक इन द इंडेक्स ऑफ एट कोर इंडस्ट्रीज विच ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन द हाइएस्ट वेटेज तो ये दो हजार पंद्रह की बात है उस समय इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन को हाइएस्ट वेटेज मिला हुआ था और डिसेंडिंग uh, ऑर्डर में अगर देखें um, देखिए ये जो क्वेश्चन uh, था ये 2015 का था और अगर हम इसको अभी देखें तो वेट्स इन एट कोर इंडस्ट्रीज़ इन आईसीआई आईसीआई सी, -सी इज इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज़ इन डिसेंडिंग ऑर्डर अभी देखें तो देखिए रिफाइनरी को सबसे ज़्यादा है ट्वेंटी एट पॉइंट देन इलेक्ट्रिसिटी स्टील कोल क्रूड ऑयल नेचुरल गैस सीमेंट एंड फर्टिलाइजर ठीक है तो इसका अगर कुछ बन सकता है तो इसका कोई निमोनिक्स तो नहीं बन रहा है लेकिन सबसे ज्यादा आप देखिए रिफाइनरी का है देन इलेक्ट्रिसिटी देन स्टील कोल क्रूड ऑयल सीमेंट देखिए बाद में रखिए कोल पहले है उसके बाद क्रूड ऑयल है देन नेचुरल गैस सीमेंट एंड फर्टिलाइजर ऑलराइट तो रिफाइनरी का ट्वेंटी एट परसेंट है फर्टिलाइजर का टू पॉइंट सिक्स परसेंट है बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इनमें इलेक्ट्रिसिटी नाइनटीन स्टील इज सेवेंटीन। नेक्स्ट ड्यूरिंग द ईयर टू थाउजेंड टू थाउजेंड वन विच ऑफ़ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज रिकॉर्डेड द हाइस्ट ग्रोथ रेट इन इंडिया तो हाइएस्ट ग्रोथ रेट उस समय दो हज़ार दो हज़ार एक में स्टील ने रिकॉर्ड की थी अकॉर्डिंग टू डेटा रिलीज ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्रीज ऑफ द कंट्रीज वॉज फॉलोज अगर हम अभी की ग्रोथ रेट की बात करें तो माइनस um, में है सीमेंट का माइनस टेन पॉइंट एट कोल इज़ वन पॉइंट नाइन देन इलेक्ट्रिसिटी इज माइनस पॉइंट फाइव स्टील इज़ माइनस एट पॉइंट सेवन क्रूड इज़ माइनस फाइव पॉइंट टू नेचुरल गैस माइनस एट पॉइंट टू रिफ़ाइनरी माइनस एलेवन पॉइंट टू और फर्टिलाइजर 1.7 ठीक है फर्टिलाइजर का पॉजिटिव में है 1.7 नेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कोल सेक्टर वाज नेशनलाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर इंदिरा गांधी सही है ये उस समय हुआ था जब इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी नाउ कोल ब्लॉक्स आर एलोकेटेड ऑन लॉटरी बेसिस तो देखिए कोल ब्लॉक्स जो होते हैं वो पब्लिक ऑक्शन के थ्रू होते हैं लॉटरी बेसिस पे नहीं होते हैं टिल रिसेंटली इंडिया इंपोर्टेड कोल टू मीट द शॉर्टेजेस ऑफ डोमेस्टिक सप्लाई बट नाउ इंडिया इज सेल्फ सफिशिएंट इन कोल प्रोडक्शन देखिए इंडिया सेल्फ सफिशेंट नहीं है अभी कोल प्रोडक्शन में ठीक है और लेकिन हाँ इम्पोर्ट कम हुआ है डोमेस्टिक कोल की डिमांड का वो इम्पोर्ट करता है तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है देख लेते हैं इंडिया कोल इंडस्ट्री वॉज प्री डोमिनेंटली डिवन बाय द प्राइवेट सेक्टर

इनकरेक्ट है एज इंडिया इज नॉट सेल्फ सफिशियंट इन कोल्ड प्रोडक्शन इम्पोर्ट ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ डोमेस्टिक कोल्ड डिमांड टू मीट द शॉर्टेज ऑफ डोमेस्टिक सप्लाई विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्या इंक्लूडेड नहीं है लार्ज इंडस्ट्री स्मॉल स्केल इंडस्ट्री माइक्रो इंडस्ट्री मीडियम साइज इंडस्ट्री कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो एग्लोमेशन है और इंडस्ट्रीज का जो कि इंगेज होती हैं किसमें केमिकल में मैकेनिकल में फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मटीरियल सब्सटेंसेज कंपोनेंट्स इन टू कंज्यूमर्स इंडस्ट्रियल गुड्स लार्ज स्मॉल स्केल माइक्रो एंड मीडियम साइज इंडस्ट्रीज ये भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इंक्लूडेड होती हैं जबकि कंस्ट्रक्शन जो इंडस्ट्री है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इंक्लूड नहीं होती ठीक है सो ई इज़ द आंसर नेक्स्ट consider the following statements about MSME Act 2020 micro small and medium enterprises the government of India announced a revision in MSME definition in the atmanirbhar bharat package on 13th May 2020 ठीक mm -hmm. है then the change in the definition देखिए ये uh, 2016 का question है 2020 का data ये पूछ रहे हैं I don't know maybe कुछ गलती भी हो सकती है यहाँ पर 2016 का नहीं भी हो सकता है नेक्स्ट इज द चेंज इन डेफिनेशन इज इफेक्टिव फ्रॉम फर्स्ट जून 2020 द न्यू डेफिनेशन हैज़ द सेम फॉर्मूला ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस यूनिट्स ठीक है तो चेंज इन डेफिनेशन जो है वो इफेक्टिव होगी जून फर्स्ट ट्वेंटी ट्वेंटी से तो ये सही नहीं है जुलाई फर्स्ट से होगी और न्यू डेफिनेशन में सेम फार्मूला दिया हुआ है क्लासिफिकेशन का ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस यूनिट्स ये स्टेटमेंट सही है सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया था एक रिविजन एम एस एम ए डेफिनेशन में इन द आत्निर्भर भारत पैकेज ऑन थर्टींथ में ट्वेंटी ट्वेंटी एंड नोटिफाइड दिस ऑन फर्स्ट जून ट्वेंटी ट्वेंटी इन द ऑफिशियल गेजेट गजेट द न्यू डेफिनेशन एंड क्राइटेरियन केम इंटर इफेक्ट फ्रॉम फर्स्ट जुलाई ट्वेंटी ट्वेंटी तो सेकेंड स्टेटमेंट गलत हो जाता है फर्स्ट जुलाई ट्वेंटी ट्वेंटी से यह आया था इसमें एक न्यू कॉम्पोज फॉर्मूला भी आया था क्लासिफिकेशन का फॉर मैनुफैक्चरिंग एंड सर्विसिंग यूनिट्स Has been notified and now there is no difference between manufacturing and service sectors. As per the new classification, the definition of micro unit is increased to 1 crore, rupee 1 crore of investment and rupee 5 crore of turnover. Limit of small scale is increased to 10 crore of investment and 50 crore of turnover. Similarly, medium scale, which is revised, have 50 crore uh, of investment and 250 crore of turnover under this notification. नेक्स्ट इज़ इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ नाइनटीन वन द इन्वेस्टमेंट अमाउंट फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज अप्रूव्ड फॉर जनरल एंड ऑक्सिलरी यूनिट्स वर वॉज तो उस समय ये 1991 वन का क्वेश्चन है उसमें उस समय जो जनरल जनरल ऑक्सिलरी यूनिट्स का जो अमाउंट फिक्स किया था वो सिक्सटी लैक्स और सेवेंटी फाइव लैक्स था अगर रिसेंट डेटा कुछ दिया हुआ है तो हम देख लेते हैं जून वन uh, 2020 में अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान ऑफ एम एस एम ई हैज़ रिवाइज द एम एस एम ई क्लासीफिकेशन बाई इंसर्टिंग अ कॉम्पोजिट क्राइटेरियन फॉर बोथ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी एंड एनुअल टर्न ओवर ऑफ एंटरप्राइजेज द न्यू डेफिनेशन हैज़ सेम फॉर्मूला ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस एंटरप्राइजेस रिवाइज अगर हम देखें तो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट माइक्रो में एक करोड़ से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए स्मॉल में दस से ज़्यादा की नहीं मीडियम में पचास से ज़्यादा की नहीं एनुअल टर्न ओवर पाँच करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए माइक्रो में अदरवाइज़ स्मॉल में आ जाएगी वो पचास करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए स्मॉल में और टू फिफ्टी करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए मीडियम में ठीक है इन इंडिया द बिजनेस विद इन इन्वेस्टमेंट अप टू रुपीज़ वन करोड़ एंड टर्न ओवर अप टू रुपीज़ फ़ाइव करोड़ इसको किस में डालेंगे तो अभी हमने ऊपर देखा इन्वेस्टमेंट वन करोड़ टर्न ओवर फाइव करोड़ किस में आ जाएगा माइक्रो में आ जाएगा वन फाइव टेन फिफ्टी फिफ्टी टू फिफ्टी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट वॉज पासड इन बिचिया सो दो हज़ार छः में ये पास हुआ था द लिमिट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एज पर द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ नाइनटीन नाइनटी वन तो उस समय ये लिमिमट जो थी वो साठ लाख की थी इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इन स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुड भी स्मॉल स्केल की बात कर रहे हैं ठीक है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम तो कितनी होनी चाहिए अब ये 2016 की बात कर रहे हैं आ, तो क्वेश्चन पीरियड के हिसाब से 25 लाख बट 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और अभी अगर हम देखें तो 10 करोड़ आ, से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 50 करोड़ से ज़्यादा टर्न नहीं होना चाहिए एज पर द एम एस एम ई एंटरप्राइजेज एक्ट दो हज़ार छः मीडियम एंटरप्राइजेज आर डिफाइंड एज दोज मीडियम उस समय अगर हम देखें दो हज़ार छः के हिसाब से तो मीडियम इंटरप्राइजेज होते जो पाँच से दस करोड़ के बीच में आते थे तो माइक्रो अभी हम देख रहे हैं कि पाँच करोड़ और दस टर्न देन mm, अगर हम स्मॉल देखेंगे तो टेन और फिफ्टी का रेशियो है और अगर हम मीडियम uh, देखेंगे तो फिफ्टी और टू फिफ्टी का है ठीक है तो अभी ये चल रहा है Which ऑफ द फॉलोइंग इज prescribed इन्वेस्टमेंट लिमिट फॉर मीडियम enterprises इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अगेन दो हजार का क्वेश्चन है तो फाइव और टेन इन्वेस्टमेंट लिमिट फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेस प्रोवाइडेड फॉर एक्ट पास इन 2006 थाउजेंड इसमें से कुछ नहीं है एज ऑन मार्च थर्टीड इलेवन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स एट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज ये 2011 की डेटा पूछ रहे हैं मार्च थर्टी वन के हिसाब से पूछ रहे हैं तो उस समय सबसे ज्यादा नंबर ऑफ रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज जो थी वो तमिलनाडु में थी तमिलनाडु में थर्टी एट थाउजेंडन थर्टी वन उसके बाद गुजरात महाराष्ट्र आंध्र एंड यूपी नेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर इन मोस्ट केसेस नॉट एज एफिशिएंट एंड कॉम्पिटिटिव एज द लार्ज स्केल वंस येट गवर्नमेंट प्रोवाइड्स प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट एंड इन अ लार्ज रेंज इन अ रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स टू स्मॉल फर्म्स बिकॉज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या क्या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज करती हैं तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ प्रोवाइड हायर एम्प्लॉयमेंट ऑन अ पर यूनिट कैपिटल डिप्लॉयमेंट बेसिस दे प्रमोट अ रीजनल डिस्पर्शन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इकनॉमिक एक्टिविटीज़ दे हैव परफॉर्म्ड बेटर इन एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स देन द लार्ज स्केल वंस ये तो गलत है लार्ज स्केल ज़्यादा परफॉर्म करते हैं प्रोवाइड जॉब्स टू लो स्किल वर्कर्स हु अदरवाइज मे नॉट फाइंड एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज एल्सवेयर तो देखिए फर्स्ट और सेकंड इसमें सही है और अगर हम बात करें लो स्केल की बिकॉज इसमें एक बार देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट एंड रिजर्वेशन इन अ रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स टू द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बिकॉज दे प्रोवाइड हायर एम्प्लॉयमेंट ऑन अ पर यूनिट कैपिटल डिप्लॉयमेंट बेसिस एस आर अ मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कि इंडिया बिकॉज ऑफ द लिमिटेड टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्स अवेलेबिलिटी दे टेंड टू यूज लेबर एंड मैन पावर फर द प्रोडक्शन एक्टिविटीजीजीजीजीजल्सो प्रमोट अ रीजनल डिस्पर्शन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इकनॉमिक एक्टिविटीज लोकल और रेडिल अवेलेबल रिसोर्स का यूज करते हैं विच हेल्प द इकानमी टू फुली यूटिलाइज द नेचुरल रिसोर्स विद मिनिमम वेस्टेज और रूरल और लेस डेवलप्ड रीजन्स में ये इकानमी क्रिएट करने की कोशिश भी करते हैं फॉर अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज शुड बी एनकरेज प्राइमरीली क्योंकि वो लार्ज इम्प्लॉमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट करते हैं ठीक है तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे जनरेट होती हैं मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी है ये और लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ होती हैं छोटी इंडस्ट्रीज होती हैं तो इसीलिए यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन का रोल ज़्यादा होता है बड़ी इंडस्ट्री होगी तो मशीनरी का यूज़ होगा तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन कम्पेरेटिवली कम होता है बट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा यूज़ होता है स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़ आर इंपॉर्टेंट क्यों बिकॉज दे प्रोवाइड मोर एम्प्लॉयमेंट The most important small-scale industry in India is it is handloom. Handloom industry is the most important small-scale industry in India. Mein, under which Muslim chins sorry, muslin chintz carpet, khadi, etc. Enterprises are included. Handloom industry comes under organised sector according to the fourth handloom census 2019-20. Total of 35.23 lakh people uh, are employed. इन हैंडलूम इंडस्ट्री ऑफ विच थर्टी पॉइंट फाइव फोर लैक इन रूरल एरियाज़ एंड फोर पॉइंट सिक्स नाइन लैक आर इन अर्बन एरियाज द लार्जेस्ट इंडस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश इन टर्म्स ऑफ एम्प्लायमेंट ये दो हज़ार आठ में ही पूछ रहे हैं उस समय हैंडलूम ही थी सो वर्क फोर्स में सबसे ज़्यादा देखें तो तमिलनाडु में उसके बाद उत्तर प्रदेश केरला हरियाणा एंड आसाम विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लैक ऑफ कैपिटल लैक ऑफ मार्केटिंग एक्सपीरियंस लैक ऑफ रॉ मटीरियल या ऑल ऑफ़ द अब तो सारी ही चीज़ों में कमी होती है सारी ही प्रॉब्लम्स इसमें होती हैं हर्डल्स होते हैं लैक ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी शॉर्टेज ऑफ पावर लेबर प्रॉब्लम लैक ऑफ मैनेजरल स्किल्स पोर क्वालिटी प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल सिकनेस प्रोडक्शन प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं स्टिल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में ये बहुत हेल्पफुल होता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द प्रॉब्लम ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इसमें से क्या प्रॉब्लम नहीं है फाइनेंसिस तो है मार्केटिंग भी प्रॉब्लम है रॉ मटेरियल्स भी नहीं मिल पाते हैं लेकिन स्ट्राइक्स और लॉकआउट जैसी कंडीशंस नहीं होती हैं उसके लिए बड़ी इंडस्ट्रीज में जहाँ ट्रेड यूनियंस वगैरह ज़्यादा होती हैं वहाँ ये सब होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ क्योंकि वो अपने आस के लोगों को ही एम्प्लॉयमेंट देते हैं तो इस तरीके की कंडीशन देखने को जनरली नहीं मिलती हैं रिमेनिंग थ्री आर द प्रॉब्लम्स द मेन प्रॉब्लम फेस बाय स्मॉल स्केल यूनिट्स इज दैट ऑफ अ पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल वर्किंग कैपिटल मेड अवेलेबल टू दैम मोस्ट ऑफ द केसेज इज़ इन एडिकेट तो दे हैज़ बीन डिले इन सेंक्शन रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज इज वेरी हाई द हेड ऑफिस ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी इज लोकेटेड सिडबी का हेड क्वार्टर का है लखनऊ में है और ये सेकेंड अप्रैल नाइनटीन नाइनटी को ये बनाई गई थी अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एंड प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरह काम करता है फाइनेंस प्रोवाइड करता है एम एस एम ई सेक्टर को एज वेल एज कोऑर्डिनेट करता ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ इंस्टीट्यूश इन सिमिलर एक्टिविटीज़ हेड क्वार्टर लखनऊ में है और ऑफिसेज uh, बाकी जगहों पर भी है कंट्री में अरेंज द फॉलोइंग कमिटीज़ फॉर्म फॉर द स्मॉल स्केल सेक्टर इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोर्ट्स गिवन बिलो नायक कमेटी आबिद हुसैन कमेटी एस एस कोहली एंड कार्वे कमेटी तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है लेकिन नायक कमेटी नाइन्टी वन में आबिद हुसैन नाइन्टी फाइव एस एस कोहली नाइनटीन सॉरी टू थाउजेंड में और कार्वे कमेटी नाइनटीन फिफ्टी फाइव में तो वन टू थ्री फोर और वन टू थ्री फोर इसमें आंसर हैंस सॉरी इसका करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होगा फोर वन टू थ्री फोर वन टू थ्री जो कि ऑप्शन में से किसी में नहीं दिया हुआ है ऑल दो यू पी पी सी एस ने सी ऑप्शन को माना था नायक कमेटी किससे रिलेटेड है तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये बनाई थी कमेटी 1991 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ पी आर नायक टू एग्जामिन द डिफिकल्टीज कन्फ्रंटिंग द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन द कंट्री इन द मैटर ऑफ सिक्योरिंग फाइनेंस नायक कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी इन सेप्टेबर नाइनटीन अनदर कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ पी जे नायक ये सेटअप हुई थी आर के द्वारा इन जनवरी टू टू रिव्यू द गवर्नेंस ऑफ द बोर्ड ऑफ बैंक्स इन इंडिया विच ऑफ़ द फॉलोइंग कमिटीज रिकमेंडेड द एबॉलिशन ऑफ रिजर्वेशन ऑफ आइटम्स फॉर द स्माल स्केल सेक्टर इन इंडस्ट्री एबॉलिशन की बात की थी आबिद हुसैन कमेटी ने एक्सपर्ट कमेटी ऑन स्मॉल इंटरप्राइजेज ये कॉन्स्टिट्यूट की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नाइनटीन नाइनटी फाइव में जो नायक कमेटी थी वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने की थी आबिद हुसैन कमेटी ने रिकमेंड किया था फॉर द टोटल एबॉलिशन ऑफ द रिजर्वेशन ऑफ आइटम्स फॉर द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कमिटीज रिपोर्ट ऑन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैव बीन रिगार्डेड एज माइल स्टोन्स इन इंडिया इकनॉमिक रिफॉर्म्स ठीक है नेक्स्ट आबिद हुसैन कमेटी वॉज रिलेटेड टू आबिद हुसैन कमिटी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस से रिलेटेड है द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियाज स्माल स्केल सेक्टर टू द ग्रॉस टर्न ओवर इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सिंस नाइनटीन नाइनटी टू हैज बीन ऑफ दर्डर ऑफ तो ये रहा है फोर्टी परसेंट तो उस समय के हिसाब से अगर हम देखें तो ये फोर्टी परसेंट था अगर एनुअल रिपोर्ट दो हज़ार बीस देखें ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल मीडिया इंटरप्राइजेज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मैन्युफेक्चरंग इन एम एस एम ईज़ इन द कंट्रीज़ टोटल मैन्युफेक्चरिंग जी वी ओ ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट एट करेंट प्राइजेस हैज़ रिमेन कॉन्स्टेंट अराउंड थर्टी थ्री तो ये कॉन्स्टेंट है थर्टी थ्री परसेंट के आसपास विच सेक्टर हैज़ गॉट द हाई रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ ग्रोथ इन इट्स कोऑपरेटिव यूनिट्स तो कॉटन टेक्सटाइल्स को मिला है इन इंडिया द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स आर एम्प्लॉयड इन सबसे ज़्यादा वर्कर्स जो एम्प्लॉय हैं वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में एम्प्लॉयड हैं एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया ट्रेडिशनली आफ्टर एग्रीकल्चर इज द ओनली इंडस्ट्री जिसमें हाई ह्यूज एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज प्रोवाइड द मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया अगेन टेक्सटाइल्स Indian इंडियन हैज विच इंडियन स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल्स मिल्स ठीक है तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल मिल्स जो हैं वो तमिलनाडु <coughs> uh, ने टॉप किया है विथ 752 ये 2016-17 का डेटा बता रहे हैं उसके बाद महाराष्ट्र है एंड आंध्र है वन 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 टू वेल तमिलनाडु अकाउंट्स फॉर लेस देन टू परसेंट ऑफ द कंट्रीज टोटल रॉ प्रोडक्शन इट हैज ऑलमोस्ट हाफ ऑफ कॉटन स्पिनिंग कैपेसिटी इन द कंट्री सो so, इनमें से कोई नहीं है ठीक है नेक्स्ट इन इंडिया द हाइस्ट प्रोडक्शन ऑफ मिल मेड कॉटन क्लोथ कम्स फ्रॉम हाइस्ट प्रोडक्शन जो मिल मेड कॉटन क्लोथ का है वो गुजरात से आता है uh, तीन स्टेट हैं इसके लिए गुजरात फिर महाराष्ट्र और फिर मध्य प्रदेश और लेकिन गुजरात में और महाराष्ट्र में बहुत डिफरेंस है फोर्टी एट थाउजेंड और ट्वेंटी सेवन टू फोर लैख एटी नाइन थाउजेंड और टू लैख सेवेंटी थाउजेंड ठीक है तो गुजरात और महाराष्ट्र में ऑलमोस्ट डबल का डिफरेंस है सो so, सबसे ज़्यादा मिल मेड कॉटन क्लोथ गुजरात से आते हैं फिर महाराष्ट्र फिर मध्य प्रदेश द ओल्डेस्ट लार्ज स्केल इंडस्ट्री ऑफ इंडिया इज ये कॉटन टेक्सटाइल्स है मुंबई अहमदाबाद द आर द सेंटर्स ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री फर्स्ट कॉटन मिल इंडिया में स्टेब्लिश हुई थी अठारह में एट फोर्ड ग्लॉस्टर नियर कोलकाता द फर्स्ट इंडस्ट्री टू डेवलप इन इंडिया वॉज कॉटेज इंडस्ट्री ठीक है इन कॉटेज इंडस्ट्री जो था वो इट हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली सिंस एंशियन टाइम्स इन इंडिया आफ्टर द ब्रिटिश अराइव्ड इन कंट्री एंड द ट्रेडिशनल अडॉप्टिड अदर आक्यूपेश मेजर कॉटेज इंडस्ट्रीज जो थी इंडिया में वो कॉटन वीविंग कारपेट मेकिंग सिल्क वीविंग लेदर इंडस्ट्री एट्सट्रा की चीज़ें देख रही थी विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज इज रिगार्डेड एज द मोस्ट बेसिक फॉर आर मॉडर्न सिविलाइजेशन मोस्ट बेसिक जो इनमें से है वो है आयरन एंड स्टील ये एक्सेस है मॉडर्न सिविलाइजेशन का इट कॉन्स्टिट्यूट द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियल इकानमी ऑल्सो मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट मॉडर्न इंडस्ट्रीज जैसे कि ऑटोमोबल्स लोकमोटिव रेल ट्रैक्स मशीनरी एंड टूल्स ये सब चीज़ें जो हैं दे डिपेंड ऑन आयर एंड स्टील इंडस्ट्री द इंडस्ट्री फॉर विच नगर इज नोन फॉर ये है न्यूज़ प्रिंट पेपर नेपा नगर जाना जाता है न्यूज़ प्रिंट पेपर के लिए ये बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट में है मध्य प्रदेश में और नेपा मिल्स लिमिटेड इसको पहले नेशनल न्यूज़ प्रिंट लिमिटेड भी बोला जाता था दे पाइनियड मैनुफैक्चरिंग ऑफ न्यूज प्रिंट इन द कंट्री ये अपना प्रोडक्शन इसने चला रखा है नाइनटीन फिफ्टी सिक्स से द हज़ीरा फर्टिलाइजर फैक्ट्री इज बेस्ड ऑन हज़ीरा फर्टिलाइजर फैक्ट्री नेचुरल गैस पर बेस्ड है कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड क्रिपको ये इनकॉर्पोरेट हुआ था अप्रैल नाइनटीन एटी में एज अल एज अ नेशनल लेवल मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी क्रिपको हैज हाई स्टेट ऑफ द आर्ट क्रिपको हैज द स्टेट ऑफ द आर्ट हाई कैपेसिटी फर्टिलाइजर कॉम्प्लेक्स बेस्ड ऑन नेचुरल गैस एट हज़ीरा डिस्ट्रिक्ट सूरत गुजरात कंसिस्टिंग ऑफ टू स्ट्रीम्स अमोनिया प्लांट एंड फोर स्ट्रीम्स ऑफ यूरिया प्लांट विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री ऑफ इंडिया इंडिया इज सेल्फ रिलायंस विद रिस्पेक्ट टू फर्टिलाइजर कैमिकल फर्टिलाइजर ये सही नहीं है बाकी इंडिया जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है इन द रिसेंट ईयर्स थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स इन द वर्ल्ड सेकेंड मेजर इंडस्ट्री इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड वैल्यू ऑफ़ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स ये सही है हालांकि ये क्वेश्चन 2001 का है तो उस हिसाब से ये था विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस आर नोन फॉर पेपर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री यमुनानगर गुवाहाटी शाहबाद एंड बल्लारपुर तो इनमें से यमुनानगर गुवाहाटी और बल्लारपुर जाने जाते हैं शाहबाद नहीं जाना जाता है यमुनानगर इज़ इन हरियाणा गुवाहाटी आसाम एंड बल्लारपुर इज़ इन महाराष्ट्र दो फ्यू गैस बेस्ड इंडस्ट्रीज हैलरेडी बीन एस्टैब्लिश गुड रिजर्व ऑफ नीचुर गैस इन इंडिया रिमेन अनयूटिलाइज्ड द फर्स्ट सोर्स ऑफ नेचुरल गैस कैन भी यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ तो ये जो नेचुरल गैस है ये यूज़ हो सकता है फर्टिलाइजर प्रोडक्शन में तो ह्यूज रिसोर्स ऑफ नेचुरल गैस कैन बी यूटिलाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलइजर नेचुरल गैस इज अ मेजर फीड स्टॉक फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया थ्रू द हेबर प्रोसेस विच इज मेनली यूज इन फर्टिलाइजर प्रोसेसिंग ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन ओ एन जी सी ये बना था कब नाइनटीन फिफ्टी सिक्स में ऑगस्ट फोटीन ऑगस्ट नाइनटीन को बना था टू प्रमोट ऑर्गेनाइज एंड एम्पलीमेंट द प्रोग्राम्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ़ पेट्रोलियम रिसोर्सेज एंड प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स लेकिन अक्टूबर 1959 में कमीशन जो था उसको कन्वर्ट कर दिया गया था स्टैचुटरी बॉडी में बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट हेड क्वार्टर इसका देहरादून उत्तराखंड में है 1994 में ओएनजीसी को कॉरपोरेशन में कन्वर्ट कर दिया गया था ठीक है तो 1956 में बनाया 1959 में स्टेचुटरी ऑर्डर दिया हेडक्वार्टर्स का देहरादून में है और इसको बाद में कॉरपोरेशन में 1994 में कन्वर्ट किया गया ओ आई एल इज एन एंटरप्राइज इन्वॉल्व इन ऑयल एक्सप्लोरेशन एक्सप्लोर करता है इम्पोर्ट रिफाइन मार्केटिंग ने एक्सप्लोरेशन के लिए है डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ क्रूड एंड नेचुरल गैस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ क्रूड ऑयल एंड प्रोडक्शन ऑफ एलपीजी विद रेफरेंस टू द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स इन इंडिया कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट मिनरल्स एंड मेटल्स ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इज द लार्जेस्ट नॉन ऑयल इम्पोर्टर ऑफ द कंट्री प्रोजेक्ट एंड इक्विपमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री वन ऑफ द ऑब्जेक्टि ऑफ एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इज टू एन्फोर्स क्वालिटी कंट्रोल एंड कम्पल्सरी प्रीशिपमेंट इंस्पेक्शन ऑफ वेरियस एक्सपोर्टेबल कमोडिटीज तो थर्ड वाला गलत है फर्स्ट और सेकेंड सही है देखिए ई सी जी सी का जो प्रोवाइड एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस ठीक है एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है इट इज़ नॉट रिलेटेड टू द वर्क सच एज क्वालिटी कंट्रोल या फिर कंपलसरी प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन इसका काम नहीं है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एम एम टी सी लिमिटेड इज इंडियाज लार्जेस्ट इंटरनेशनल ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड हैज़ बीन सेटअप बाई एम एम टी सी ज्वाइंटली विद गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा तो दोनों ही सही हैं नीलांचल इस्पात लिमिटेड ये इनकॉर्पोरेट हुआ था नाइनटीन एटी टू में टू सेन मिलियन टन इंटीग्रेटेड आयन एंड स्टील प्लांट इन कलिंगा नियर नगर इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स डिस्ट्रिक्ट जाजपुर उड़ीसा ठीक है एन आई एन एल इज़ प्रमोटेड बाई एम एम टी सी फिर इप कॉल आई इंडस्ट्रियल प्रमोशन एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ उड़ीसा लिमिटेड एंड अदर गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ ये किया एन आई एन एल हैज़ बिकम इंडियाज़ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ सेल सेलेबल पेगा सिंस टू थाउजेंड फोर फाइव एम एम टी सी लिमिटेड जो था इट इज़ वन ऑफ द टू हाइस्ट अर्नर्स ऑफ फॉरन एक्सचेंज फॉर इंडिया आफ्टर पेट्रोलियम एंड रिफाइनिंग कंपनीज एंड इंडिया इज लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर ट्रेडिंग बॉडी ये लार्जस्ट इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी भी है इंडिया की एंड द फर्स्ट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज टू बकॉर्डेड द स्टेटस ऑफ फाइव स्टार एक्सपोर्ट हाउस बाय द गमेंट ऑफ इंडिया एंड फॉर लॉन्ग स्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू एक्सपोर्ट्स विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग गवर्नमेंट कंपनी ऑफ इंडिया तो ये है एम एम टी सी अभी हमने देखा है एम एम टी सी विथ रेफरेंस टू पब्लिक फंक्शंस ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑर आर करेक्ट पब्लिक यूटिलिटी रिसोर्सेज देना सोशल इकोनॉमिक ओवरहेड कैपिटल बिल्ड करना बैलेंसड रीजनल एंड सेक्टोरल ग्रोथ इंश्योर करना और टू परस्यू द इ्वालिटेरियन गोल्स तो देखिए सारे ही इसमें करेक्ट हैं चारों ही इसके करेक्ट आंसर हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टू डेज रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुल इन द पब्लिक सेक्टर ऑफ इंडिया देर अ बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्री ऑल द इंडस्ट्रीज ऑफ द पब्लिक सेक्टर आर प्रॉफिट अर्न ओरिएंटेड, जॉब्स आर सिक्योर्ड इन द इंडस्ट्री ऑफ द पब्लिक सेक्टर तो इनमें से क्या सही है तो देखिए ऑल द इंडस्ट्रीज ऑफ पब्लिक सेक्टर जो है वो प्रॉफिट ओरिएंटेड है ये नहीं बोल सकते ये गलत है बेसिकली बाकी वन एंड थ्री जो स्टेटमेंट है वो सही है ठीक है तो सारे सेक्टर्स जो हैं प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं होते हैं पब्लिक सेक्टर जो एंटरप्राइजेस हैं तो ये था हमारे आज के सिक्सटी क्वेश्चन हमने कम्प्लीट किए बाकी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन हम अगले वीडियोज़ में कम्प्लीट करेंगे टिल देन थोड़ा सा जल्दी करवा रही हो बिकॉज इकनॉमिक्स भी बड़ा है काफ़ी तो इसको थोड़ा फास्ट पेस पे चलेगा ये कोशिश रहेगी और जहाँ भी इश्यूज़ आ रहे हैं अगर कोई इश्यूज़ आ रहे हैं तो आप उनको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं ठीक है till then keep revising keep studying jai hind jai bharat